हेलो एवरीवन। सो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट जेएस का जो प्लेलिस्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं, लर्न विथ मी नेक्स्ट जेएस। सो अभी तक हम लोगों ने देखा डायनेमिक राउट्स के बारे में, अब हम देखेंगे एपीआई राउट्स के बारे में। बेसिकली हम एपीआई राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर हम रिएक्ट प्रोजेक्ट बना रहे होते तो रिएक्ट के लिए हमें एपीआई राउट्स बनाने के लिए अलग से हमें सर्वर बनाना पड़ता, लाइक एक्सप्रेस पैकेज यूज करते थे हम लोग जनरली। बट नेक्स्ट जेएस में ऐसा नहीं है, हम नेक्स्ट जेएस में एपीआई राउट्स बना सकते हैं इजिली, और वो भी सर्वरलेस, लाइक उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं AWS लैम्डा में भी। सो दैट्स द फीचर। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें ये स्टार्टर कोड ले लेना है, मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको रन भी कर चुका है। ये पेज जो है हम या डायनेमिक राउट्स तक बना हुआ है। तो इतना तक सेट होने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो एपीआई राउट्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है ना, हमें कुछ नहीं करना है एक्चुअली में, हमें पेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम हमें लिखना है एपीआई, और इस एपीआई के अंदर हमें जो भी एपीआई बनाना है लाइक हेलो डॉट जी एस एपीआई हम बनाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारा फंक्शन है हम जो करना चाहें एपीआई में वहां पे हम इस तरह से लिख सकते हैं गाइस। ये हो गया हमारा एपीआई। हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे बस हमें लिखना है /API/hello, तो ये हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये हमारा एपीआई राउट्स बन चुका है। यहीं पे इसके बारे में बात किया गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ डोंट्स दिया गया है, लाइक हमें गेट स्टैटिक प्रॉप्स पे एपीआई राउट को फेच नहीं करना है, गेट स्टैटिक पाथ पे भी नहीं करना है। इंस्टेड हम जो भी फंक्शन रन करना चाहते हैं लाइक डेटाबेस क्वेरी करना चाहते हैं वो उस पे हम लिख सकते हैं, बट एपीआई को राउट को फेच ना करे ये दिया गया है। गुड यूज केस हैंडलिंग, फॉर्म इनपुट में हम इसको यूज कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और बनाऊ पेज input.js, और यहाँ पे मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूँ फंक्शन हैंडलर रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, रिक्वेस्ट डॉट कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ओके, और हम थंडरबोल्ट क्लाइंट में एक रिक्वेस्ट बनाते हैं गाइस, लाइक लोकल होस्ट पोर्ट 3000 /API/input। अब बॉडी में हम देंगे एक जेसन ऑब्जेक्ट लाइक नेम मिस्टर, आई डोंट नो ये सक्सेस हो गया है, लेट्स सी, ये इंटरनल सर्वर आ गया। अनहैंडल रिक्वेस्ट API/input। ओके, तो ये अनहैंडल रिक्वेस्ट, बट ये तो हमारा API/input हम लोगों ने बनाया है, ये काम क्यों नहीं किया। सो गाइस थोड़ा सा हमें बस चेंज करना है, ये गेट रिक्वेस्ट नहीं है, पुश रिक्वेस्ट है, इसको बाद हम सेंड करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा और ये कंपाइल भी हो रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एपीआई राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में डेप्थ में हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सो राइट नाउ बस इतना ही था, अब हम बात करते हैं कि हम डिप्लॉय कैसे करेंगे। सो डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे बात किया गया कि वर्सल सर्वर में हम यूज कर सकते हैं, बेसिकली ये नेक्स्ट जेएस के जो डेवलपर्स हैं क्रिएटर्स हैं उन लोगों का है ये, और हम जो जनरल वे भी होता है ना उससे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जनरल वे के लिए क्या है, हमें बिल्ड करना पड़ेगा, लाइक हमारे पास ऑलरेडी है npm run build कमांड, यहाँ पे अगर हम देखें पैकेजेशन में स्क्रिप्ट में तो हमारे बिल्ड कमांड ऑलरेडी है, तो ये हमारा बिल्ड करके दे देगा। बिल्ड करने के बाद हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, लाइक फॉर डायनेमिक पेजेस, स्टैटिक पेजेस के लिए तो सही है बट डायनेमिक पेजेस के लिए कैसे होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे npm, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे npm run start।
ये हम क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वर लोकली स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली में इंस्पेक्ट करके देखे हैं। सो नेटवर्क कॉल्स, तो ये हमारा आ रहा है फाइल्स, राइट? तो ये हमारा बिल्ड होने के बाद का फाइल है, ये एनपीएम स्टार्ट करने के बाद बिल्ड होके ये फाइल आ रहा है गाइस। और अगर हम यहाँ पे एपीआई वाला टेस्ट करें वापस से, तो ये हमें वापस देगा, ये एपीआई भी रन कर रहा है, ये देखो। तो यही था बेसिक्स, कैसे हम नेक्स्ट ईयर क्या है उसके बारे में, यहाँ तक ये फिनिश होता है। ये वीडियो खत्म नहीं होगा, आगे हम देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, उसके बाद फाइनली ये खत्म होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको मजा आया हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।